तो वहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट आता है यहाँ पे दो चीजें चलती है लॉन्गिट्यूडनल डूल्स एंड बार्जनस ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं लॉन्गिट्यूडनल डूल्स कौन सी होती हैं जो लंबी लंबी इस तरीके से जो यहाँ पे दिख रहा है ये लॉन्गिट्यूडनल है और बार्जन कौन सी होती है क्रेसेंट शेप की जो हवाएं चलती है चांद के शेप की हवाएं जो चलती होती है चांद नहीं होता जस्ट चांद की शेप होती है सो तो इस एरिया को मरुस्थली भी बोला जाता है और क्या बिलीव किया जाता है कि मिसोजो एरा में ना ये डेजर्ट नहीं था ये क्या था ये समुद्र था आप में से बड़े सारे लोगों को हंसी आएगी कि हा 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 ये डेजर्ट कैसे समुद्र हो सकता है बट जी यही सच है बहुत मिलियन ईयर्स में अर्थ अपना फॉर्मेशन चेंज करता है और जो लैंड होता है वो वाटर बन जाता है जो वाटर होता है वो लैंड बन जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ऐसा हमको पता कैसे चलता है क्योंकि हम जो यहाँ पे रॉक्स और वुड्स के जो फॉसिल्स मिलते हैं वो लगभग 180 मिलियन ईयर्स जो हैं वो पुराने हैं और उसके अलावा जो कंडीशंस हैं जो सारी यहाँ पे बयां करती है वो यही बताती है कि पहले ये एक ओशन का पार्ट हुआ करता था बट बाद में जो वार्म पीरियड है वार्म फेस आने की वजह से ये क्या बन जाता है ये एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है अब इस डेजर्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक तो नॉर्थ का पार्ट है जो कि स्लोपिंग टू सिंध है और एक साउथ का पार्ट है जो किधर है रन ऑफ कच्छ में है नॉर्थ वाला के, पार्ट किधर जा रहा है सिंध की साइड क्योंकि जो सिंध है पाकिस्तान के आसपास है और अगर आप राजस्थान के बिल्कुल नॉर्थ में जाओगे तो सिंध ही आएगा और साउथ में क्या है ऑफ का मोस्ट ऑफ द रिवर्स क्या है एफी मेरल एफी कौन सी रिवर होती हैं जो सारा टाइम नहीं बहती हैं कुछ कुछ समय तक ही बहती हैं अब जो लूनी रिवर है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लूनी रिवर के बारे में हम अगले चैप्टर में ड्रेनेज सिस्टम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं और कोई भी चीज डेजर्ट कब होती है देखिए दो कंडीशन होती है उसकी हमने पहले ही देखा था प्रेसिपिटेशन कैसा होना चाहिए लो और इवेपोरेशन होना चाहिए हाई यानी कि पानी ही जो धरती से ऊपर जा रहा है वो कैसा होना चाहिए बहुत ही हाई होना चाहिए और जो नीचे आ रहा है वो कैसा होना चाहिए लो होना चाहिए तो डेजर्ट कोल्ड भी हो सकते हैं इसलिए और कैसे हो सकते हैं वेरी गुड हॉट भी हो सकते हैं और कोल्ड भी अब आते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स कोस्टल प्लेन्स कौन से होते हैं कोस्टल प्लेन्स वो वाले एरिया हैं जो समुद्र के किनारे की जमीनें हैं जो समुद्र के आसपास का बॉर्डर पे जो एरिया है वो कोस्टल प्लेन्स होता है कोस्टल का नाम ही वहीं से डराइव होता है सो so, आपने ऑलरेडी रेड कर रखा है क्या रेड कर रखा है कि दो कोस्टल प्लेन्स होंगे एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होगा अब कैसे होगा भैया अब देखिए ये इंडिया का मैप है हमारा ये क्या है ये बे ऑफ बंगाल है ये बे ऑफ बंगाल के बराबर में एरिया है और ये हमारा अरेबियन सी के बराबर में एरिया है अब देखिए ऊपर का साइड होता है नॉर्थ नीचे साउथ राइट में ईस्ट लेफ्ट में वेस्ट तो कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करें तो टू टाइप की कोस्टल प्लेन्स यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे एक तो जो ये वेस्ट साइड पे कवर होगा और दूसरा किस साइड पे कवर होगा जो ये हमारा ईस्ट साइड पे कवर होगा जो सिटी ऑफ द्वारका है वो पहले पार्ट हुआ करती थी आ, हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का बट फिर ये पानी के अंदर सबमर्ज हो गई वेस्ट का ना मेजर पार्ट जो है वो कहाँ पे है सबमर्ज है वो दिखता नहीं है हमको वो पानी के अंदर है वेस्ट का पूरा का पूरा पार्ट पानी के अंदर है अब देखिए यहाँ पे जो अब एक चीज बताइए अगर वेस्ट का मोस्टली पार्ट अगर समर्ज हो गया है तो ज्यादा बड़े कोस्टल प्लेन किधर के होंगे वेस्ट के ईस्ट के ऑब्वियसली बात है ईस्ट के मेजर पोर्ट्स हैं यहाँ पे नेचुरल भी हैं मैन मेड भी हैं जैसे कि कांगला मजा गाँव जियल पोर्ट और नावा शेरू मरमा गाँव मैंगोर कोचिन ये सारे के सारे इसका पार्ट होते हैं अब कोट को और उसके अलावा जो हमारा काठीद्वार कोस्ट है गुजरात में कौन कौन कोस्ट है महाराष्ट्र में गोवन कोस्ट मलाबार कोस्ट है कर्नाटका में और केरला में सो so, अब मलाबार कोस्ट है उसके कुछ बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है कि यहाँ पे बैक वाटर्स है बैक वाटर्स क्या होता है कि ऐसे टाइप के वॉटर जिसमें नेचुरल फोर्स इस तरीके से जा रहा होता है कि वो फिशिंग के लिए वो एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल होता है आप आराम से वहाँ पे फिशिंग कर सकते हो और इनलैंड नेविगेशन हो सकता है वहाँ पे बोटिंग अच्छी होती है तो एक बड़ी फेमस सी नेहरू ट्रॉफी वल्लम कली बोट रेस होती है जो कि कहाँ पे हल्ड होती है पुन्नामाड़ा कयाल केरला में ये देखिए ये वही लाइन है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के मुकाबले ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ब्रॉडर है चौड़े हैं और उसके अलावा इम्पोर्टेंट नदियां भी हैं यहाँ पे जैसे महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी अब लास्ट में आते हैं हमारे आइलैंड्स दो मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इंडिया के एक है बे ऑफ बंगाल में और अदर है हमारा अरेबियन सी में अब बे ऑफ बंगाल का जो आइलैंड है वो लगभग कितने आइलैंड है वहाँ पे 572 आइलैंड या फिर हंड्रेड है आइसलैंड का मतलब होता है छोटे छोटे आइलैंड्स ये रफली छह डिग्री नॉमिनेट नॉर्थ नौ, डिग्री नौ, सॉरी छह डिग्री नॉर्थ से चौदह डिग्री नॉर्थ के बीच में है और नाइनटी टू डिग्री ईस्ट और नाइन्टी फोर डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में है उसके अलावा दो प्रिंसिपल जो इसके ग्रुप है वो है ऋषिज आर के पिलागो एंड लेबर अब आर पिलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड अब जो एंटायर आइलैंड है वो दो ग्रुप में डिवाइडेड दैट इज इन नॉर्थ एंड निकोबार इन साउथ और उनको सेपरेट करता है वाटर बॉडी जो कितने डिग्री पे है दैट इज डिग्री चैनल तो कोई आपसे पूछा अंडा माया निकोबार कितने डिग्री से अलग है जी तो वो टेन डिग्री चैनल से अलग होता है अब क्या बिलीव किया जाता है कि ये जो आयस है ना ये एक तरीके से सबमरीन माउंटेन्स का एलिवेटेड पोर्शन है यानी कि पहले ये बहुत बड़े बड़े माउंटेन होंगे और तो वो माउंटेन डूब गया होगा बट उसको ऊपर का पार्ट रह गया होगा और कुछ ऐसे आइलैंड है यहाँ पे जो कैसे इन है यानी कि वॉलनोज भी आते हैं यहाँ पे मतलब ओनली एक्टिव वॉल्केकेनो जो इंडिया का है वो निकोबार आइलैंड में ही सिचुएटेड है और कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक दे रखे हैं यहाँ पे जैसे सैडल पीक और माउंट डियावोलो माउंट कोयोक ये सारे इंपॉर्टेंट जो माउंटेन पीक्स हैं किसके अंडमान हमारा निकोबार आइलैंड्स की बीचेस बहुत ही ब्यूटीफुल हैं इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन है इसका अब जो आइलैंड है अरेबियन सी इसमें आते हैं दो लक्षद्वीप और मिनी ये किससे अलग होते हैं ये अलग होते हैं नाइन डिग्री चैनल से आपकी बुक में टेन डिग्री चैनल लिख रखा है बट आप उसको करेक्ट कर लेना दैट इज नाइन डिग्री चैनल से ये अलग होते हैं दो सौ अस्सी किलोमीटर से चार सौ अस्सी किलोमीटर तक दूर है ये केरला कॉस्ट से और थर्टी सिक्स आइलैंड है इसके अंदर जिसमें कि सिर्फ ग्यारह में ही लोग रह पाते हैं लार्जेस्ट आइलैंड है है जिसका एरिया लगभग स्क्वायर किलोमीटर और पूरा एरिया डिवाइड डिवाइड होता है किससे नौ डिग्री चैनल से डिग्री नहीं कितने डिग्री नाइन डिग्री चैनल से सो इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है खत्म होता है अब देखिए इसके प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आप मुझे देंगे कि हिमालय का कौन सा पार्ट करेवा फॉर्मेशन करता है देखिए करेवा फॉर्मेशन जिससे क्या बनता है स, आ, केसर का एक फॉर्म बनता है जाफरान कहाँ पे है वो कश्मीर हिमालय में वेरी गुड लोकटक लेक पे है मणिपुर वेरी गुड अंडामान निकोबार किससे अलग होते हैं टेन डिग्री चैनल से दो, दो भी कहाँ पे सिचुएटेड है नीलगिरी हिल्स पे अब थर्टी वर्ड में आपको आंसर लिखना है कि एक पर्सन को अगर लक्षद्वीप में ट्रैवल करना है तो कौन से कोस्टल प्लेन से जाएगा ऑब्वियस सी बात है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से जाएगा क्योंकि लक्षद्वीप कहाँ सिचुएटेड है अरेबियन सी और अरेबियन सी कहाँ पे है इंडिया के कौन से पार्ट में आता है अरेबियन सी सी अरेबियन आता है इंडिया के वेस्ट पार्ट में देखिए ये अरेबियन सी है लक्षद्वीप है और ये लेफ्ट साइड कौन है? हो सा होता है वेस्ट साइड तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है इसको कहाँ से जाना होगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से जाना होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोल्ड डेजर्ट इंडिया में कहा है लद्दाख में है इसके कुछ नाम बताने आपको कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में कोई डेल्टास क्यों नहीं होते हैं? हमने बहुत डिटेल में इसको पिछली वीडियो में डिस्कस किया है अगर आपको नहीं आता है ये क्वेश्चन तो आई विल वुलजेस्ट आपको वीडियो देखेंगे पार्ट थ्री अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल के बीच में कंपैरिजन करना है दैट इज वेरी इजी जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो रिवर वैली रिवर प्लेन में मिलते हैं भाबर भांगर खादर और जो भी आपके एलिवल डिपॉजिट है ये सब जियोमॉर्फोलॉजिकल में आ जाते हैं फिर अगर आपको बद्रीनाथ से सुंदरबन डेल्टा जाना है तो क्या क्या, -क्या चीजें पड़ेंगी बीच में तो बहुत सारी चीजें पड़ेंगी अः एलिवियल प्लेन पड़ेंगे और नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड पड़ेगा डेल्टा भी पड़ेगा तो so, इस तरीके से ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है एक बार uh, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आई विल सजेस्ट आप ये वीडियो दो तीन बार देखें और आपको कोई भी कंफ्यूजन है क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच